even getting up. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. As a boss player, cause even getting up. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. सो है एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के इस कमाल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस तरह बड़ा फेस दिखा करके, जंप करके और इस तरह से एनिमेशन वाले वीडियो कैसे बना सकते हो इजीली अपने नॉर्मल से फ़ोन से शूट करके और नॉर्मल से फ़ोन से एडिट करके। प्रोसेस एकदम ईजी है, बस आपको करने की इच्छा अगर हो तो। सो कैसे इसको शूट करना है, कैसे एडिट करना है, दोनों तरीका मैं आपको बहुत ही ईजिली बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपने प्यारे कैनमास्टर को कर लेते हैं ओपन, जो आपको मिल जाएगा सिंपली प्ले स्टोर पे। और अगर आप चाहते हैं कि बिना वाटरमार्क का सब कुछ फ्री इस्तेमाल करना चाहे तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन, इन स्क्रीन कहीं पे भी दे दूंगा, जा करके डाउनलोड कर लेना। देखो जैसे ओपन करते हैं, यहाँ क्रिएट पे करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ 9x16, क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग किया था 9x16 में ही किया था। सो क्रिएट पे करते हैं क्लिक। सो ऐसे करने के बाद हम अपने फाइल में एंटर कर जाते हैं, मतलब कि जो भी हमें वीडियो जहां से सेलेक्ट करना है वहां से हम अपने वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। यहां वीडियो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, केवल वीडियो खुल जाएगा। सो मेरा वीडियो कहां पे है, मेरा वीडियो मैंने यहां पे रखा है ये वाला। तो देखिए आपको हम बताते हैं कि कैसे करना है शूट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने मोबाइल को ऐसे, हमारे पास स्टैंड है लेकिन हमें जो एंगल चाहिए वो स्टैंड नहीं दे पा रहा था। सो हमने नीचे लगा दिया और पत्थर में टेक लगा करके और इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड किया था। और ये जो वीडियो है हम ब्लॉगिंग के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे और आपको बस इसमें दिखा रहे हैं। ब्लॉगिंग का भी अपना चैनल है, हम कैसे वीडियो शूट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इसका ब्लॉगिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल का नाम है TNK का ब्लॉग। सो वहाँ से आप देख सकते हैं हम कैसे शूट करते हैं अपने वीडियोस को। तो चलिए हम बताते हैं कि इसको एडिट कैसे करना है। आपको इस तरह से शूट करना है, पता हो गया कि आपको मोबाइल को एकदम से वाइड एंगल सबसे नीचे कर देना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ये बंदा आएगा तो यहाँ पे दिखे जैसे कि हाँ ये ट्रक के ऊपर है, मतलब कि आसमान में इतना जगह खाली हो और ये ट्रक के ऊपर दिखाई दे। फिर जंप जब भी करे तो जब भी इतना जंप करे ताकि इसका पैर, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पैर है मतलब लगे कि ट्रक से ऊपर गया, तभी आप वीडियो बना पाओगे। उस तरह से चेहरा भी दिखे, पैर भी दिखे, पीछे का जो मोमेंट है वो भी दिखे। तो देखो इस तरह से शूट करना है, आप समझ गए, बताता हूँ एडिट कैसे करना है। सो हम यहाँ पर अभी जा ही रहे होते हैं यहाँ पर कैमरा सेट करके। सो अब हम अपना एक्टिंग करते हैं यहाँ से शुरू। इस वाले एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए सिलेक्ट करके स्प्लिट पे जा करके फर्स्ट वाले ऑप्शन को कर देंगे क्लिक। सो हमारा एक्टिंग यहाँ से हो गया स्टार्ट। ऐसे आया, ओके, अपने ऐसे जंप किया, दौड़ के गया और वो ट्रक के छू लिया और फिर उधर से मतलब मैंने आ गया, बस इतना रखना है मेरे को। उसके बाद क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए ये सेकेंड वाले ऑप्शन को कर देंगे क्लिक। सो और राइट साइड का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो कट चुका है। सो हमारा मेन वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब कैसे करना है इसको, सो देखो जैसे ही आप जंप करते हो, ये आपने जंप किया, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ट्रक का जितना भी एरिया था ये खाली हो चुका है और आप चले गए हो ऊपर, ऐसा मान लो। फिर आपको क्या करना है, इस यहाँ पे क्लिक करना है और कैप्चर एंड सेव पे एक बार कर देना है क्लिक। ये आपका फाइल में स्क्रीनशॉट चला गया। और फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कैप्चर एंड लेयर पे क्लिक कर देना है, इसका एक लेयर बन के आ जाएगा यहाँ पे। अब इस लेयर को खींच के ला देना है यहाँ पे और इस लेयर पे कर देना है क्लिक और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे कर देना है क्लिक और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को कर देना है क्लिक। अब जानते हो इससे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे ये पैर वैर नहीं दिखेगा। अब कहोगे कि यार ये तो ऐसे नहीं दिख रहा है जो हमें दिखता था अच्छे से, ट्रक के पीछे नहीं जा रहा है। तो ट्रक के पीछे जाने के लिए लगाना होगा आपको PNG। सो अब हम चलते हैं गूगल में, यहाँ पे सर्च करते हैं रिमूव इमेज या फिर रिमूव BG। सो इस वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं फर्स्ट वाले साइट पे। उसके बाद अभी जो काइनमास्टर से स्क्रीन शॉट हमने लिया था उसका बैकग्राउंड को करना है रिमूव। सो यहाँ पे अपलोड इमेज पे कर देते हैं क्लिक और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके ये रहा। अभी आप यहाँ पे टाइम टेबल देख सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने ये वाला स्क्रीन शॉट अभी काइनमास्टर में लिया था। अब करेंगे उसका बैकग्राउंड रिमूव, मैंने अपलोड कर दिया है और यहाँ पे मुझे लगता है बहुत जल्द ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा।
हाँ, तो जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल चुका है। डाउनलोड HD करने की कोशिश करोगे तो लालच मत करना, ये डाउनलोड HD मोड में नहीं होगा, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए डाउनलोड पे कर देना क्लिक और एकदम आराम से डाउनलोड हो जाएगा। और चलते हैं काइनमास्टर में। हाँ तो गाइस, यहाँ पे हमारा काइनमास्टर हो चुका है ओपन। अब क्या करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये डाउनलोड से अपना PNG को कर लेंगे सिलेक्ट। हाँ तो यहाँ पे अपने फोटो को कर लिए हैं सिलेक्ट। फिर स्प्लिट स्क्रीन पे जा करके ये वाले ऑप्शन को कर देना है क्लिक और यहाँ इसको डंडी तक ले जाना है। हाँ अब लग रहा है जैसे कि मैं आ रहा हूँ एकदम से पीछे से। और देखो अब क्या करना है, इसको सेट करना है कि भाई साहब हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा। इसको घसीट के स्टार्टिंग तक ले जाना है। देख सकते हैं मीडिया के नीचे जो है दो लेयर लगा है। अब इसको कहाँ तक रखना है, तो जैसे हम करते हैं जंप, मान लो यहाँ तक हमने जंप किया तो यहाँ पे आपको ये जो नीचे का लेयर है यहाँ तक खींच के लाना है। जैसे ही आपने जंप किया यहाँ तक के इसको कट कर देना है लेयर को, और जो एक और लेयर नीचे है उसको यहाँ तक लाना है जहाँ तक ये लेयर है। सो कर लेंगे ऐसे कट। अब देखो दोनों लेयर मिल चुका है। और अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो। यस, ऐसा जैसे ही आप ऊपर जाते हो बस वहीं तक इस लेयर को रखना। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो तो ये जो लेयर है, दो लेयर मैंने लगाया, वो खत्म हो जाना चाहिए, तभी ये लगेगा। हाँ तो हो चुका है थोड़ा सा 5-6 मिनट लेट, लेकिन वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल बना। लेकिन इसमें मैं आपको, अगर क्वालिटी को HD करना चाहते हो, और मैंने देखा कि मैंने अपने वीडियो में कलर ग्रेड भी किया है, कलर ग्रेड प्लस अपने क्वालिटी को HD करना चाहते हो, कमेंट करो, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। और जाके चैनल चेक करो, हो सकता है मैं इस वीडियो को बना भी दिया हूँगा। देखो इसमें म्यूजिक लगाने में आपको नहीं बता सकता, वो ट्रेंडिंग, वो जो है मुझे कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब के तरफ से, जो अपना मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो जाता है, डॉलर पीला पड़ जाता है, मतलब कमाई कम होता है। इसलिए मैं आपको म्यूज़िक लगाने नहीं बता सकता। अगर म्यूज़िक लगाने जानना है उसका स्पेशल वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा, बट यहाँ से आप लगा सकते हो, म्यूजिक का ऑप्शन है। सो आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग VFX वीडियो के साथ। और इससे पहले मैंने बहुत सारी VFX वीडियो बनाए हैं, चैनल पर जाकर के चेक करो, ब्लॉगिंग वीडियो भी चेक करो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। Yeah!